क्या रीज़न था कि शो को हाँ किया. सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है एक अनएक्सप्लोर्ड डोमेन और एक एंटरटेनमेंट ऑन द लाइव स्टेज, यू नो, स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट ऑल्सो, विच वॉज वन ऑफ द प्राइम रीजन्स दैट आई सेड यस टू द शो. एंड ये एक लाइव स्टेज मुझे बहुत भाने लगा है. आई बिगन टू रियली लाइक दिस लाइव स्पेस. आपका मीटर जो है सर लगा है नहीं लगा है आपको इमीजिएटली पता चल जाता है बिकॉज द ऑडियंस इज देयर, बिकॉज पीपल आर देयर हु आर वाचिंग योर स्टफ. एंड आई एम रियली ऑलरेडी लाइकिंग दिस स्पेस अ लॉट. ओके, दिस इज फॉर नाउ द फर्स्ट इंटरव्यू समथिंग लाइक दैट. सो वर यू नर्वस और स्केप्टिकल ऑफ द रीजन? आई एम ऑलवेज नर्वस. देयर इज नॉट अ सिंगल टाइम दैट आई एम नॉट नर्वस. आई एम नर्वस व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. आई एम नर्वस मोस्ट ऑफ द टाइम. सो इन द स्टैंड अप एंड ऑल ऑफ दैट यू सॉ, और I would do a scene in Jamai Raja, or even when I was going for a stunt in Khatron Ke Khiladi. तो वो जो कुछ भी मैं करूँ उससे पहले एक नर्वस एनर्जी होती है, मेरे हाथ कांपते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ठंडा पसीना आ जाता है हाथों के ऊपर. वो एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से मुझे एक कंस्ट्रक्टिव स्पेस में लेकर के जाती है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के. सो यस, आई एम नर्वस. की बात करें तो करण मुझे मिला ही अभी, वो लंदन में था, तो ही वाज शूटिंग फॉर हिज फिल्म, सो ही इज जस्ट कम बैक. बट द फैक्ट दैट करण इज हियर, यू नो, इट्स रियली रीअश्योरिंग. मुझे अपने लोग अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं और दोस्त आसपास होते हैं तो कंफर्टिंग भी बहुत रहता है. I'm very happy that he's here. का रिएक्शन बहुत इनकरेजिंग है और शी थिंक्स आई हैव इट इन माई ग्रूव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो. और एक नया डायमेंशन खुलता है, मतलब आपको अपने बारे में एक नई चीज़, एक नया क्रिएटिव वर्क पता चलता है अपने बारे में भी, तो शी इज़ ऑल्सो एज एक्साइटेड एज़ आई एम. हर चीज़ में कुछ चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब आप कोई भी चैलेंजिंग चीज़ अटेम्प्ट करते हैं तो आप जितने बड़े थे उससे बड़े बनकर ही बाहर निकलते हैं. खतरों में भी वही था, जमाई में भी वही था, और इस शो में भी वही होगा. मिमिक्री और बींग एन एंकर और बींग एन एक्टर और now also being a stunt person. So all of this is a part of my creative, one of the these things, the minutes or whatever you may call it. So isme wo use zarur hoga aur definitely ek edge bhi ho jata hai ki matlab aap mimic bhi kar lete hain to mere khayal se wo bhi hum kai dafa stand ups wagera mein use kar liya karenge. Okay, lastly we would like to thank Khatron Ke Khiladi ab entertainment ka tarika daily show mein aapko wapas kab dikhne lega. This is the feel you really enjoying a lot. I am enjoying this live space a lot. To be honest with you, main bahut zyada keen abhi hu nahi for daily show. और उसका एक मेजर रीज़न ये है कि आप लोगों ने मेरे ख्याल टी वी पर मुझे देखना काफ़ी देर में शुरू किया, लेकिन मैं कल डेली शो बहुत लंबे अरसे से रहा हूँ. सो यू नो, स्पेशली वेन यू आर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू फाइंड एंड कीप योर क्रिएटिव जूसेज इन योर माइंड एंड हेल्प फ्लोइंग, यू नीड टू कॉन्स्टेंटली डू डिफरेंट थिंग्स. सो ये जो लाइव स्पेस है, एंटरटेनमेंट की रात है, देर आर सो मेनी अवार्ड फंक्शंस, देर आर सो मेनी रियलिटी शोज, आप रोज़ अगर कुछ अलग करते हैं ना तो आप रोज़ थोड़े और बेहतर और यू ग्रो. सो आई एम रियली एन्जॉइंग दिस. सो आई विल नॉट लाई एंड से दैट I'm really looking forward to doing fiction because I am not writing. लोगों ने जो मोहब्बत और प्यार दिया उसी की वजह से हैं हम जो हैं. And thank you very very much and just keep sending us all the love that you are sending us and this is what we are made of. Hi, I'm Samvid. You're watching me on GlitzVision and do follow the channel.